बढ़ते हैं शो में आगे और अब स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू रखना चाहिए मार्केट में, लगातार तेजी आ रही है। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये एक छोटा ट्रेडिंग वीक था, बट इसके बावजूद निफ्टी ने लगातार इस वीक में हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया। अब इन दो सेशंस में आज और कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें स्पेसिफिकली हमने दो बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर निफ्टी में आते हुए देखे हैं। पहला तो ये आशीष जी की कल 22800 स्पॉट में निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब है कि अब 22800 निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है पोजिशनल बेसिस पर। जब तक हम इससे ऊपर हैं तब तक बिल्कुल मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। एंड सेकेंड, आज का जो मूव है आशीष जी, कल के एक बहुत बड़े अपमूव के बाद निफ्टी ने बहुत आराम से 23000 के आसपास सस्टेन किया है। इसका मतलब है कि मोमेंटम बिल्कुल अच्छा है, स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। छोटे मोटे डिप्स निफ्टी में हम जरूर देख सकते हैं, बट ओवरऑल नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं निफ्टी हमें 23300 और 23500 की तरफ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। इसलिए आशीष जी मैं एक बुलिश पोजीशन एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर निफ्टी में सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आशीष जी, 30 मई की जो एक्सपायरी है उसके अंदर हमें एक बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी में बनाना है। यहाँ पर हमें 23000 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम करीब 170 रुपीज के आसपास में चल रहा है और सामने से 23250 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 66 रुपीज के आसपास में चल रहा है आशीष जी। हमारी नेट कॉस्ट जो पूरे स्प्रेड की हो जाएगी वो 103-104 रुपीज के आसपास में हो जाएगी। स्टॉप लॉस हम पूरे स्प्रेड का रखेंगे आशीष जी 40 रुपीज पर 40, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 200, सेकंड टारगेट 225 तक का। 225 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, स्प्रेड के जो है आपको फोकस करना चाहिए। सर एक बार दर्शकों की सहूलियत के मैं चाहता हूँ कि आप रिपीट कर दीजिए, कौन सी स्ट्राइक्स खरीदनी है और कौन सी बिकवाली है और क्या रेशियो सजेस्ट कर रहे हैं आप 1:1:1 का? जी जी बिल्कुल आशीष जी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1:1 का रेशियो हमें बनाना है, यानी कि एक कॉल बाय करनी है और सामने से एक ही कॉल सेल करनी है। जो कॉल हमें बाय करनी है दैट इज 23000 के स्ट्राइक प्राइस वाली, उसका प्राइस चल रहा है अभी 170 रुपीज पर, और सामने से 23250 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। उसका प्रीमियम करीब 66 रुपीज के आसपास में चल रहा है, तो हमारी नेट कॉस्ट हो जाएगी 104 रुपीज की। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 40 रुपीज पर 40, एंड हमारे टारगेट्स होंगे 200 एंड 225 तक के। ओके, तो यहाँ पर 225 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, फोकस यहाँ पर करिएगा। सर इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर स्प्रेड है? जी बिल्कुल आशीष जी, बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। 48600 स्पॉट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट अब बैंक निफ्टी के लिए बन चुका है, एंड मुझे लगता है कि अब बैंक निफ्टी जैसे ही 49000 स्पॉट में निकालेगा बहुत आराम से 49500 और 49700 तक के रास्ते बैंक निफ्टी के लिए खुल जाएंगे। इसलिए बैंक निफ्टी में भी मैं एक सिमिलर स्प्रेड बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आशीष जी, 29 मई की जो एक्सपायरी है उसमें बैंक निफ्टी में हमें एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है। यहाँ पर हमें 48900 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है, 48900 के स्ट्राइक प्राइस को। इसका प्रीमियम करीब 350 रुपीज के आसपास में चल रहा है, और सामने से 49300 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है। 49300 वाले, इसका प्रीमियम करीब 190 रुपीज के आसपास में चल रहा है, तो नेट कॉस्ट इस स्ट्रैटेजी की हो जाएगी 160 रुपीज। स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का रखेंगे 80 रुपीज पर 80, एंड हमारे टारगेट्स होंगे 320 एंड 350 तक के। 350 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको स्प्रेड में देखने को मिल सकते हैं, 48900 और 49300 की स्ट्राइक्स आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको स्प्रेड्स बनाने की राय दी गई है। सर निफ्टी निफ्टी बैंक व्यू तो बुलिश है और काफी अच्छी बात आपने बताई कि स्प्रेड्स के माध्यम से करेंगे तो रिस्क अपने आप में इनहेरेंटली कंट्रोल्ड हो जाएगा। अब स्टॉक्स में कैसे रणनीति बनाएंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ, दोनों ही बुलिश कॉल्स हैं, दोनों ही लॉन्ग करने की कॉल है और दोनों में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हम बनते हुए देख रहे हैं। पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए आशीष जी, तकरीबन पिछले एक महीने से ये स्टॉक एक लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, 480 के आसपास का लेवल था। आज एक बहुत ही जबरदस्त मूव के साथ उस लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो जब इतने बड़े मूव के साथ ऐसा ब्रेकआउट आता है तो उसके अंदर हमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी स्टॉक स्पॉट में 492-493 के आसपास में चल रहा है, इसको हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 478 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 525, सेकंड टारगेट 540 तक का, 540। सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहां पर भी देखिए जी, ये स्टॉक आज ओपनिंग के बाद थोड़ा सा पहले नेगेटिव हुआ था, बट वहां से एक बहुत जबरदस्त रीबाउंड स्टॉक ने दिखाया है, एक बहुत सुंदर ब्रेकआउट भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर हम देख रहे हैं। आगे मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए, इसलिए इस स्टॉक को भी हम बाय करके चल सकते हैं। अभी स्पॉट में 549 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 538 पर, एंड हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 575, सेकंड टारगेट 590 तक का। ऑलराइट, दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं यहाँ पर रखेंगे फोकस। एक्साइड इंडस्ट्रीज 525-540 के टारगेट, 478 रुपए का
आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। और साथ में एचपीसीएल यहां पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ काफी बढ़िया नजर आ रही है, 2.5% के आसपास का मूव है। 575, 590 दो टारगेट्स हैं, 538 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए।